नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप सब जानते हो कि आज है हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों, अभी तक जो 5 लेक्चर हमारे हुए हैं उनमें जो आपके 13.1 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड बच्चों हम सारा बेसिक कवर कर चुके हैं, उसके बच्चों में एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आपके जो 13.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करेंगे, तो जो इसी तरह में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये दिया गया है कि जो निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। यानी हमारे पास जो 3 वेक्टर है, ए वेक्टर है आई के प्लस जे के प्लस ए के, बी वेक्टर है 2i-7j-3k एंड सी है 1/3i-1/3j-1/3k। हमें क्या करना है, इन तीनों के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, यदि कोई वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के की फॉर्म में होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिखते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम प्रोसेस बच्चों, यदि मैं यहां यूज करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, आई के का मल्टीपल 1 है, जे के का मल्टीपल 1 है, इसका भी मल्टीपल 1 है, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √3। बस समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। बी वेक्टर यहां पे इनके मल्टीपल को देखिए कितना है, 2 + -7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 29 प्लस 9, इनका सम हो जाएगा 62। ओ यही बच्चों, जब मैं सी वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहूं तो इन सब का स्क्वायर यदि मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, क्या कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना। हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लिखना हूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, इसका सम हो जाएगा 3/3 = √1 = 1। कोई डाउट, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो बस इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन है जो हमें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं। यदि आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, जितना बेसिक अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा आपका स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों एक बात फिक्स मान के चलिए, आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नया आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। यानी हमें दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट वेक्टर इक्वल ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, दो वेक्टर डिफरेंट वेक्टर है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्या था, इनका परिमाण समान लेकिन वेक्टर अलग अलग है। तो बेटा, मैंने आपको बताया था यदि कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के की फॉर्म में, तो यदि मैं इनमें इनको जो इनके कोफिशिएंट, सॉरी जो एक्स कंपोनेंट, जो स्केलर कंपोनेंट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, यदि मैं इन कंपोनेंट को आपस में चेंज कर दूं या इनमें से किसी का साइन चेंज कर दूं तो वो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन उनका जो फ्री मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन वेक्टर बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं इसको नया वेक्टर बना दूं, मैं इसको ये लिख दूं वाई जे आई के एक्स जे के जेड के के, बच्चों यहां पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट नहीं, सॉरी जो स्केलर कंपोनेंट है वो अक्षों के अकॉर्डिंग, लेकिन आप यहां पे वैल्यू मान के चलो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक बार लिखता हूं 2, ये 3 एंड दिस इज 4, तो अब ये क्या बन गया, कंपोनेंट चेंज तो आपस में 3, 2 एंड 4। और भी मैं कोई नया वेक्टर इससे जनरेट कर सकता हूं, यदि मान लीजिए मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर दूं वो सेम रहे। इस तरीके से इनके कंपोनेंट को आप आपस में चेंज कर दो, यदि इनके साइन को चेंज कर दो तो बच्चों वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर चेंज हो जाएगा लेकिन उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर हो गई होगी बच्चों ये बात। इस तरीके से आप होगा तो इसके कितने भी तो वेक्टर बना सकते हो ना। तो फिर बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है फाइंड द वेक्टर ऑफ इन सेम डायरेक्शन, यानी तो सेम डायरेक्शन जिनकी हो लेकिन वेक्टर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उस तरीके के दो वेक्टर बताने हैं। क्या क्वेश्चन बच्चों, कि ऐसे दो सदिश लिखिए जिनकी दिशा समान हो लेकिन मैग्नीट्यूड या वेक्टर अलग अलग, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में बच्चों, यदि मान लो मैं ए वेक्टर को लिखा मैंने आई के, बी वेक्टर 2i के लिख दूं, कोई नया वेक्टर सी वेक्टर 3i के लिख दूं, तो आप एक बात सोचो कि इन तीनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है या नहीं।
क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कि नहीं बच्चों? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि यदि दुख सदिश 2i+3j और xi+yj समान हो तो x और y का मान क्या है? जैसे मतलब आपको दो वेक्टर दिए हैं, एक तो है 2i+3j एंड जो नेक्स्ट वेक्टर है xi+yj। हमें दिया बच्चों कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको मैंने बताया था जब दो वेक्टर इक्वल हो तो उनके वेक्टर कंपोनेंट और उनके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्केलर वेक्टर कंपोनेंट है 2ik = xik पेन 3jk = yj। तो कंपैरिजन करने पर, तुलनात्मक अध्ययन करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा x = एंड y = 3। हो गया क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। तो बताइए बच्चों, यदि बेसिक कवर हो तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है क्या? कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। इसलिए बच्चों मैं शुरू से एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट बताया जा रहा है वो एक एक टॉपिक को आप अपने माइंड में रखिए, भूलना नहीं है, हमको बेसिकली समझ के रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमें दिया गया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2.1 है और अंतिम बिंदु -5.7 है। प्रारंभिक बिंदु 2.1 और अंतिम बिंदु -5.7 है। तो इस सदिश के अदिश हम सदिश वेक्टर लिखते हैं। इंग्लिश में इस क्वेश्चन में बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को अगर मैंने ए माना और ये बी, तो ये कह रहा है जो ए है वो किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो बी है वो किसी वेक्टर का एंड पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, इससे जो वेक्टर जनरेट होगा उसका स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दोनों लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको वेक्टर बनाना होगा, यदि मैं इसकी x1y1 से डिनोट करूं और इसे x2y2 से डिनोट करूं, तो बच्चों जो मेरा ए बी वेक्टर है वो क्या होगा? आपको मैंने फॉर्मूला बताया था x2 - x1ik + y2 - y1jk, कुछ ऐसा मेरा बताया होगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा -5 - 2ik + 7 - 1jk। तो ये हो जाएगा -7ik + 6jk। तो ये आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। अब आगे इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे इसमें दो बातें और बतानी है, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब सदिश घटक और स्केलर कंपोनेंट का मतलब अदिश घटक। तो जो इसका वेक्टर कंपोनेंट हुआ अर्थात सदिश घटक हुआ वो हो जाएगा 7ik - 4jk। स्केलर कंपोनेंट जो अदिश घटक का कोई स्थिति क्या हो जाएगी -7.6। मैंने कहा था ijk जो होते हैं उसके डायरेक्शन को बताते हैं। ijk क्या बताते हैं? जो उसकी डायरेक्शन को। तो यदि सीधा लिखा तो स्केलर हो गए, ijk लगा दूंगा तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे ये x एक्सिस की डायरेक्शन में हो गई, y एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो बताइए बच्चों, शुरू के स्टार्टिंग के सेवन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है क्या? सॉरी, फाइव क्वेश्चन, शुरू के जो पांच वाले हमने किए हैं उनमें कोई डाउट है क्या? पहला था कि तीन डिफरेंट वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था कि हमें ऐसे वेक्टर लिखने थे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट वेक्टर डिफरेंट हो। तो मैंने क्या किया, इनके जो कंपोनेंट हमको आपस में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों उनका साइन चेंज कर दो या आपस में कंपोनेंट चेंज करके मैं वेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। फिर था कि दो ऐसे वेक्टर लिखने थे जिनकी डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो अर्थात वेक्टर डिफरेंट हो। तो जैसे ये देखो आप i cap 2i cap 3i cap, डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, वेक्टर अलग अलग हो गए। फोर्थ था कि ये जो वेक्टर है वो दोनों के दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि इनके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होंगे। कंपैरिजन करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। और जो क्वेश्चन नंबर फाइव किया है कि ये कि ए और बी दो पॉइंट दे दिए, जो ए किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है बी एंड पॉइंट है, तो जो वेक्टर बनेगा वो ए बी वेक्टर बनेगा। फॉर्मूला बनाने का आपको मैंने समझाया हुआ है क्यों ऐसा होता है। वेक्टर बना दिया, फिर इसके वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट अर्थात सदिश और अदिश घटक हमने लिख दिए। यहाँ तक कोई बच्चों डाउट है तो देखो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6-7 वो देखिए।
क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें दिया बच्चों कि तीन वेक्टर हमारे पास, लिखते हैं सबसे पहले ए वेक्टर, एक बी वेक्टर और एक है सी वेक्टर। तीन वेक्टर दिए हैं और इनका योगफल अर्थात फाइंड द सम ऑफ दीज, यानी हमें इनका सम योगफल याद करना है। तो ए वेक्टर में लिख देता हूँ आई माइनस टू जे प्लस ए, ए वेक्टर है मेरे पास बच्चों आई माइनस टू जे प्लस ए, और बी वेक्टर है माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव ए, और सी वेक्टर है आई माइनस सिक्स जे के माइनस सेवन ए के, कुछ इस तरीके का बच्चों मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को क्या करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर बच्चों याद हो तो मैंने ऐसा एक एग्जांपल भी करवाया था, तो आपको मैंने क्या कहा था जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके कंपोनेंट है उनका सम कर दो, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है उनका सम कर दो, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है उनका सम कर दो, यानी एक्स वाले जोड़ दो वाई अलग, वाई वैल्यू को अलग जोड़ दो, जेड वैल्यू को जोड़ के रखो, तो इनको मैं सम करूंगा तो आई वन वन टू माइनस टू हो जाएगा जीरो आई के, माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर जे के, सिक्स माइनस सेवन माइनस वन ई के, तो इसको तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा माइनस फोर जे माइनस ई के, ओके सीधा डायरेक्टली सम ही तो करना है, और वो करने का तरीका मेरा आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है कि वेक्टर है सी वेक्टर आई प्लस जे प्लस टू ई के, इसके अनुदिश एक मात्रक से सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन हो गया कि फाइंड दी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर जो विच में रेंज टू इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है सी की डायरेक्शन में। तो बच्चों ऐसा तो मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, जब एक वेक्टर के डायरेक्शन में आपको अदर वेक्टर फाइंड आउट करना हो उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका यूनिट वेक्टर यानी कैसे भी क्या करें इसके लिए मैग्नीट्यूड बताओ, इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6। सी के होता है बच्चों सी वेक्टर कौन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो आई प्लस जे प्लस टू के डिवाइड बाय रूट ऑफ 6। मुझे नया वेक्टर बी वेक्टर चाहिए जिस जो यूनिट वेक्टर है अर्थात जिसका मैग्नीट्यूड जिसका परिमाण 1 है, तो सिंपल सी बात है सी वेक्टर डॉट 1 यानी सी कैप ही मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा, तो सी कैप क्या हो जाएगा 1/√6 आई के प्लस 1/√6 जे के प्लस 2/√6। क्लियर हो गया बच्चों? हो सकता है आपको रेशनलाइजेशन यानी हल का प्रीमिकरण करना हो तो रूट सिक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी सही है। तो बताइए बच्चों, तो देखिए बच्चों आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको क्या दिया हुआ है कि सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 है। P एक पॉइंट है बच्चों हमारे पास जो है 1 2 3 और Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 5। तो मैं ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो PQ के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर हो। ठीक है, तो जो रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि आपको इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं जिसमें एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 4 5 6, और एक पी क्यू वेक्टर हमें फाइंड आउट करके उसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अर्थात मात्रक सदिश बताना है। तो आपको तो जैसा कि मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि दो वेक्टर जो है टू पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर किया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4-1i प्लस 5-2j प्लस 6-3k, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब इसी की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो सेम क्वेश्चन हो चुका है, तो एक बात तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या आपके लिए छोड़ सकता हूँ, मुझे बच्चों पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आगे अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो इसी चरण में बच्चों आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें दो वेक्टर है, सवाल पढ़ रहा हूँ कि दिए हुए सदिशों ए सदिश और बी सदिश के लिए ए सदिश प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।
बच्चों इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन हो गया कि इस बार क्या हो गया कि हमें दो वेक्टर दे दिए, एक दे दिया ए वेक्टर और एक दे दिया बी वेक्टर। हमें क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर के कोरेस्पोंडिंग यानी उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सेम ही प्रोसेस हो जाएगी, हाँ, लेकिन ए प्लस बी वेक्टर मैं आपको फाइंड आउट करके बता देता हूँ। तो ए वेक्टर है 2i-j + 2k, 2i-j k + 2k, और b वेक्टर है -i + j - k, जब मैं इनका सम करूंगा तो आ जाएगा i, ये कैंसिल हो जाएगा i k + k। इसको बच्चों यदि मैं नया वेक्टर c वेक्टर नाम दे दूं तब तो कोई डाउट नहीं है। अब इससे आप कॉम्बिनेशन करिए, इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप यूनिट वेक्टर बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आपके पास नया वेक्टर आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेक्टर है 5i - j + 2k, एक वेक्टर है बच्चों हमारे पास 5i - j + 2k। हमें क्या करना है, हमें इसके संयोगी से ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है, यानी इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो जो ऐसा क्वेश्चन करने मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके अदर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका यूनिट वेक्टर के लिए इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो जगह 25 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से 34। ओके, एक बस मजा ली। अब ए कैप क्या होगा, होगा 5/34i - 1/34, j + 2/34 ठीक है। ठीक है, अब मुझे एक नया वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, अर्थात 8 a कैप कर दूं, यानी a कैप को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 40/34i - 8/34j + 16/34। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 बच्चों आपका रहेगा वो है दर्शाइए कि जो वेक्टर है वो कोलिनियर अर्थात समेक है। ये दो वेक्टर दिए 2i - 3j + 4k, एक वेक्टर है 2i - 3j + 4k, एक और वेक्टर है b वेक्टर जो है -4i + 6j - 8k, -4i + 6j - 8k। बच्चों यहाँ पे जब कोलिनियरिटी का जिक्र हो रहा हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन पे आए तो भी वो कोलिनियर है, यदि एक वेक्टर यहाँ से गया एक यहाँ से गया, जैसे ये O, ये P और ये Q, तो ये भी कोलिनियर है। कोलिनियर यानी सदैव एक ही लाइन पे आने वाले, जो तीनों एक ही लाइन पे अगर एग्जिस्ट करते हैं वहां पे डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन वाले मैटर को शामिल नहीं करोगे, क्योंकि डायरेक्शन कोलिनियरिटी के अंदर महत्व नहीं रखती है। तो बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 कॉमन लेकर 2i - 3j + 4k, और इससे इतना -2a वेक्टर हुआ या नहीं हुआ, देखिए बच्चों इसको ध्यान से। तो यदि किसी एक वेक्टर में किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर बनाया जा सके तो वो हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि माइनस प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है लेकिन वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बच्चों आपके इसके 3 क्वेश्चन और बच जाते हैं 12, 13, 14 के, तो इस लेक्चर में हम 4 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वाले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा वो देखिए,
फोर्स सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है कि दो वेक्टर को हम इंटरनली डिवाइड करते हैं या एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं, तो प्रोसेस। तो देखिए क्वेश्चन है कि हमें बिंदु दिया यानी दो पॉइंट है बेटा कि P I के प्लस टू जे के माइनस के I के प्लस टू जे के माइनस के और जो Q है वो दिया है माइनस I के प्लस जे के प्लस के। यहाँ पे पॉइंट क्या बताते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है वो आपको इनकी पोजीशन वेक्टर अर्थात स्थिति सदिश बताते हैं। किसकी रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की क्या स्थिति है वो है। तो इसको यदि मैं ओपी रखकर लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसको मैं लिखता हूँ ओपी वेक्टर यानी माइनस आई के प्लस जे के प्लस ए के। ठीक है बच्चों, इतना आगे दिया हुआ कि इसको मिलाने वाली रेखा को 2:1 अर्थात 2:1 में इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंत और बाह्य विभाजित करने वाले आर के कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन वेक्टर उसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको ओआर वेक्टर बताना है दो केस में, जब इसको वो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कब? इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंत और बाह्य। तो सबसे पहले इंटरनल का केस लेते हैं, इंटरनल डिवीजन का केस लेता हूं अर्थात अंतर विभाजन का केस पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रोसेस बताया था, ए और बी वेक्टर हो तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय एम प्लस एन, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 OQ वेक्टर प्लस 1 OP वेक्टर डिवाइड बाय 2 प्लस 1। इसको मैं लिखता हूं तो आगे 2 OQ है माइनस आई प्लस जे प्लस ए प्लस 1 OP आई प्लस 2J माइनस ए डिवाइड बाय 2 प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2Y प्लस 2J प्लस 2K प्लस आई प्लस 2J माइनस ए डिवाइड बाय 3। माइनस 2Y प्लस आई माइनस आई हो जाएगा प्लस 4J प्लस ए डिवाइड बाय 3। दिस इज इक्वल टू ओआर। ये तब आया है जब ओआर इसको इंटरनली यानी अंतर विभाजित करे। ठीक है, अब बारी आती है बाह्य विभाजन की, अर्थात एक्सटर्नली डिवाइड जब इसको करता हो तो एक्सटर्नली, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नली अर्थात बाह्य विभाजन जब इसको करेगा तब बच्चों हमारा क्या कंसेप्ट रहेगा? ओआर वेक्टर आ जाएगा 2 OQ माइनस 1 OP डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो जो 2 OQ है कुछ ऐसे ही आएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, लेकिन जो ये मल्टीप्लाई किया था वो आएगा सारा नेगेटिव यानी माइनस आई माइनस 2j प्लस के। तो 2j से सूर्य कोण में 1 है तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। माइनस 3i प्लस 3k क्या गया आंसर? बताइए बच्चों कोई डाउट है आपको? डाउट बच्चों होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा यदि आपका सारा बेसिक काम कवर किया हुआ है। यदि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, जो फॉर्मूले बताए थे रीजन बताए उनको लिखने के लिए वो कवर नहीं है, तो बच्चों आपको कोई ना कोई डाउट फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यहां तक कोई क्लियर हुआ सब? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि दो बिंदु दिए पी और क्यू, उनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पी है बच्चों हमारे पास 2, 3, 4 और क्यू है हमारे पास 4, 1, -2 4, 1, -2। बच्चों इनका मिड पॉइंट में आपके लिए रहेगा, इसकी सिर्फ मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर डिवाइड बाय 2, बाकी सब प्रोसेस आप लोगे, ये काम आपके लिए रहेगा। ठीक है, कर सकते हो। ओपी वेक्टर होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये होगा 4i प्लस j माइनस 2k, ऐड करो डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों जो लेफ्ट है आपको मैं इसका कुछ हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होगा। बच्चों एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको खुद भी ट्राई करने चाहिए। हाँ, प्रोसेस सारी मैं बता रहा हूँ।
क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन ये हो गया कि आपको तीन पॉइंट दिए हैं ए बी और सी जिनके जो पोजीशन वेक्टर है वह ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। आपको ये बताना है कि इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइंट करके जो ट्राइंगल बनाएंगे वो क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जो लास्ट एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर साइड एट सेम बच्चों वो प्रोसेस है। तो थोड़ा मैं वेक्टर बना देता हूँ तो जो ए वेक्टर है वो ए का पोजीशन वेक्टर है अर्थात ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर वो आपको दिया गया है 3i माइनस 4j माइनस 4t। फिर जो b पॉइंट है उसका जो कोरिस्पोंडिंग वेक्टर होगा वो भी वेक्टर जो है b वेक्टर वो बच्चों आपको दिया गया 2i माइनस j प्लस k 2i के माइनस j के प्लस k के और जो c के कोरिस्पोंडिंग होगा वो c वेक्टर अर्थात c वेक्टर जो आपको दिया गया i माइनस 3j माइनस 5k i के माइनस 3j के माइनस 5k। तो इसकी जो थ्री साइड होगी AB BC एंड CE AB वेक्टर होगा B वेक्टर माइनस E वेक्टर ये क्या होगा B वेक्टर C वेक्टर माइनस B वेक्टर ये होगा A वेक्टर माइनस C। तो B से जब बच्चों ने A माइनस करवा 2 माइनस 3 माइनस साइन ये प्लस 4 हो जाएगा तो प्लस 3j ये प्लस होगा तो प्लस का 5 माइनस करो तो आएगा माइनस आई प्लस माइनस का 2j और ये माइनस का 6k एंड c माइनस ए 1 माइनस सॉरी a माइनस c 3 माइनस 1 2y माइनस 4 प्लस 3 तो प्लस का 7 एंड 4 प्लस का 1 ठीक है बच्चों। हो सकता है कि इनमें एडिशन में मुझसे कुछ गलती हो सकती हो तो आप इसे देख लेना बाकी बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही रहे ठीक है। आप इनके स्पेयर को करके देखोगे बाकी बच्चों का दोबारा चेक कर लेते हैं ए वेक्टर था 3i माइनस 4j माइनस 4k सही है बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k और सी है i माइनस 3j माइनस 5k तो ए भी होगा बी माइनस ए 2 माइनस 3 माइनस j प्लस 4 तो प्लस 3 हो जाएगा ये प्लस 5 के लिए ठीक है। बी सी होगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 a माइनस c होगा तो ये हो जाएगा बच्चों सॉरी माइनस 3 प्लस 4 होगा ना a माइनस 3 तो ये हमें प्लस j के इक्वल होगा माइनस का ठीक है a माइनस c तो ये प्लस 3 होगा तो ये बच्चों माइनस जी के बेटा सॉरी मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मुझे कोई ना कोई डाउट लग रहा था। अब बच्चों इनको जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूव करना था समकोण त्रिभुज तो आप जानते हो तीन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है यानी टू साइड के स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रोसेस आपको लगानी है आपको इनमें से तीन की तीनों बातें फाइंड आउट करके से कोई दो का सम यानी कोई दो का योग तीसरे के बराबर हो तो आप क्या बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों आज के इन लेक्चर्स में हमने आपके 13.1 जो एक्सरसाइज है उसके अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हमारा 13.2 का बेसिक रहेगा उसके बाद उसके क्वेश्चन। तो बच्चों मेरी आपसे यही एक जैसे कि आप इन टॉपिक्स को साथ साथ कवर करते जाएं बेसिक को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें आपको कोई डाउट नहीं है। तब तक के लिए टेक केयर धन्यवाद।